कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नवी मुंबई महानगर पालिका प्रशासन द्वारा होलिका दहन और रंग पंचमी के सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। तो आइए देखते हैं क्या है आदेश। जारी आदेश के अनुसार प्रशासन ने कहा है कि जिस तरह से शहर में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से पैर पसारता जा रहा है, उसके मद्देनजर 28 मार्च को आयोजित होने वाली और 29 मार्च को आयोजित होने वाले रंग पंचमी के निजी या सार्वजनिक ठिकानों पर सामूहिक आयोजन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही निजी परिसर, सोसाइटी और संकुल के प्रांगण में होलिका उत्सव और रंग पंचमी उत्सव मनाने और किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आदेशों का सख्ती से पालन हो, इसलिए सोसाइटी या संकुल के अध्यक्ष और सचिव को इस पर निगरानी लेना आवश्यक होगा। नवी मुंबई मनपा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले होटल्स, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट और क्लब जैसे जगहों पर होलिका उत्सव और रंग पंचमी उत्सव मनाने पर भी सख्त पाबंदी लगा दी गई है। मनपा द्वारा जारी किए गए आदेशों का शहर में सख्ती से पालन हो, इसीलिए मनपा की उपायुक्त अमरीश पटनीगिरी को नियंत्रण अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है, जिनके नियंत्रण में 28 और 29 मार्च को मनपा कर्मचारी और पुलिस कर्मचारियों का एक दक्षता पथक शहर में कार्यरत होगा। अगर मनपा द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन नहीं हुआ तो आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ साथ ही रोग अधिनियम 1897, आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कलम 51 और 60 के तहत भारतीय दंड संहिता अधिनियम 188 के तहत दखल पात्र मामला दर्ज करने की कठोर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मिनट।